Hello students, how are you? Today we are going to study chapter 1 SAT. So let's start with introduction. So student, पहले हम SAT की definition को define करेंगे कि SAT होता क्या है. तो student, SAT होता है, a SAT is a well defined collection of object. जो well defined collection होगा उसे हम कहेंगे student SAT. Well defined collection का मतलब यहां से है कि ऐसा कलेक्शन जो हर एक के लिए एक सा ही होता है उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके स्टूडेंट, सपोज फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, सो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5. स्टूडेंट ये ही फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर होंगे. सेट को शो करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट को यूज करोगे स्टूडेंट्स, और उसे शो करोगे कैपिटल लेटर से. आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं बट वो कैपिटल होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट होगा और उसके अंदर आप उसके एलिमेंट्स को शो करोगे. ओके स्टूडेंट, यदि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स तो वो सेट नहीं होगा. ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पे यदि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा स्टूडेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपसे कहता हूं कि राइट फाइव नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट, अब फाइव नेचुरल नंबर में कोई लिखेगा 1, 2, 3, 4, 6. ओके स्टूडेंट, कोई उसे कहेगा 2, 3, 5, 7, 9. कुछ भी कह सकता है, हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होंगे, तो ये हमारे सेट को डिफाइन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ए सेट. एलिमेंट्स ऑफ सेट मींस द मेंबर्स बिलोंगिंग टू ए सेट आर इट्स मेंबर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ओके स्टूडेंट्स, you know that set represent any alphabet of capital letter, and suppose 1, 2, 3. Students, yes, so next is elements of a set. So student, element of a set means the members belonging to a set or its elements of the set. Means suppose कीजिए ये आपका एक set है, you have note down 1, 2, 3 represent by a capital letter. So 1, 2, and 3 are the element of the set. Okay students, means जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होंगे वो आपके एलिमेंट्स ऑफ द सेट होंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मींस वी कैन डिवाइड द सेट इन रिप्रेजेंटेशन फॉर टू फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. पहले हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म के ऊपर. रोस्टर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स कि किसी भी सेट को यदि आप कंप्लीट फुल फॉर्म में यदि आप उसको शो करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम रोस्टर फॉर्म. मींस सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स, यानी कि आपको जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आपको लिस्टिंग करना है तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म. सपोज सेट राइट फाइव नेचुरल नंबर्स, लेस देन फाइव. ओके स्टूडेंट्स, राइट फोर नेचुरल नंबर्स के लीजिए, राइट
for natural numbers less than 5. So student, set curly bracket 1, 2, 3, 4. तो स्टूडेंट हमने यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 5 हैं, नेचुरल नंबर्स हैं और हमने उनको पूरा लिस्टिंग करके किया है, इसलिए हम इसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, बस इन सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट्स ऑल द एलिमेंट्स पॉसेस ए कॉमन प्रॉपर्टी। यदि हम सेट को किसी कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखते हैं स्टूडेंट तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल सेट 2, 4, 6, 8, 10 स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं कि ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं एंड लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके स्टूडेंट, दीज आर नेचुरल नंबर, इवन नंबर, लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके, अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको शो करना है। सो स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में शो करने के लिए x सच दैट, स्टूडेंट ये डबल डॉट है इसको कहते हैं सच दैट, x सच दैट x आर इवन नंबर्स, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मीन्स स्टूडेंट आपने यहां पे इसी सेट को इस फॉर्म में लिखा है x सच दैट x आर इवन नंबर्स एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो स्टूडेंट इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट होता है स्टूडेंट कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, इसे हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं या नल सेट भी कह सकते हैं। और इसे शो करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं फाइव। ओके स्टूडेंट, जीरो एंड लाइन, ये एम्प्टी सेट को, नल सेट को या वॉइड सेट को शो करता है। या आप इसे कर्ली ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट शो नहीं करना है स्टूडेंट। ओके, फॉर एग्जांपल ए सेट एक्स सच दैट एक्स आर नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। स्टूडेंट सेट ए एक्स सच दैट एक्स आर नेचुरल नंबर्स एक्स ग्रेटर टू 3 लेसर टू 4, 3 से ग्रेटर और 4 से लेसर कोई नेचुरल नंबर है नहीं है ना स्टूडेंट, तो इस सेट को आप शो करेंगे ए इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट, या ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सिंगलटन सेट। स्टूडेंट यदि किसी सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो आप उसे सिंगलटन सेट के शो करेंगे। सपोज सेट ए 2, सपोज सेट बी 3 आर सिंगलटन सेट, मीन जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फाइनाइट सेट। स्टूडेंट यदि किसी सेट में जो काउंटिंग नंबर्स हैं या जो भी उसमें नंबर्स हैं यदि वो काउंटेबल हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं तो स्टूडेंट उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, ए सेट इज एम्प्टी और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट,
फॉर एग्जाम्पल सेट x such that x are even numbers and x is less than 10. ओके स्टूडेंट, तो इस सेट में आप वो सब इवन नंबर्स लोगे जो 10 से लेस होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट स्टूडेंट, यदि किसी सेट में नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल नहीं है, यानी हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट. सपोज यही एग्जांपल होता आपका x आर इवन नंबर्स, और ये लाइन यदि मैं यहां से इरेज कर देता हूं तो आपका सेट हो गया x x आर इवन नंबर्स. अब कितने इवन नंबर्स, इवन नंबर की काउंटिंग फिनिश तो होगी नहीं, हमेशा कंटिन्यू कंटिन्यू रन करती रहेगी और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट. स्टूडेंट यदि आपका सेट फाइनाइट है और यदि आपको उसको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर फाइंड आउट आप शो करेंगे उसे एन, एन मीन्स नंबर और ए मीन्स सेट. आपके सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको शो करेंगे, तो वो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सेट बी इक्वल्स टू ए बी. स्टूडेंट इस सेट में यदि आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आप शो करेंगे एन बी, एन मीन्स नंबर बी मीन्स सेट इक्वल्स टू फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव. ओके स्टूडेंट,